देश की खबर, दुनिया की खबर, पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अपने मतलब हर खबर, सिर्फ खबर। बने रहिए हमारे साथ। आखिर कब चलेगी नरकटियागंज से भिखनाठोरी तक बंद पड़ी रेल सेवा? आखिर कब मिलेगा भिखनाठोरी जंगल से एनओसी? इन इलाकों में अर्थव्यवस्था पर पड़ा भारी प्रभाव। अनिरुद्ध चौरसिया का सवाल, जवाब दे मौजूदा सरकार। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया, पूज्य बापू की कर्म भूमि गांधी आश्रम विचारवा चंपारण बिहार से सटे विचारवा आश्रम स्टेशन पर इस समय अपनी बात आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नरकटियागंज जंक्शन से भिखनाठोरी तक सन 1904 में ट्रेन संचालन का प्रारंभ हुआ, जो सन 2015 तक चलता रहा। 2015 में छोटी लाइन को बड़ी लाइन बनाने के लिए सरकार ने जो है इसको बंद कर दिया। तब से यह जो है आज तक बंद पड़ा हुआ है, यानी 5 वर्ष हो गया। और इसका डिस्टेंस जो है 35.33 किलोमीटर की दूरी है, और इसमें विभागीय द्वारा जो है शिलान्यास किया गया था, उसमें दर्शाया गया था कि 8 से 10 माह के अंदर इसको पूर्ण कर लिया जाएगा, किंतु आज तक इसका जो है अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है। इधर 18 जनवरी 2020 को दैनिक जागरण मुजफ्फरपुर में प्रकाशित हुआ था कि वन विभाग के द्वारा एनओसी मिलने के बाद ही भितिहरवा से दौड़ेगी ट्रेन। तो इस बात को जानने के बाद जनता में इस बात की खलबलाहट मच गई कि आज 5 साल के बाद यह बात बताई जा रही है कि वन विभाग जो है एनओसी देगी तभी जो है इसकी जो है संचालन किया जाएगा। तो हम लोगों ने एक आवेदन दिया प्रधानमंत्री जी को लिखकर, और उनसे कहा गया है कि इसकी जो है निदान हमको 2 माह के अंदर किया जाए, अन्यथा हम 2 अप्रैल 2020 से जो है आंदोलन प्रारंभ करेंगे। तो अभी फिलहाल में एक चिट्ठी आई है प्रधानमंत्री कार्यालय से, और उसमें यह दर्शाई गई है गौना से अभी नहीं चलेगी, भितरवा तक ही चलेगी, इस तरह का बात पत्र आया है। लेकिन हमने जो प्रश्न किया था कि कब तक एनओसी आएगा वन विभाग का, और कब से ट्रेन जो है ठोरी तक दौड़ेगी, इस पर जो है विस्तार ढंग से कोई पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अभी समय है, मार्च भर समय है। मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह समस्या अगर नहीं निदान हुआ तो हम लोग 2 अप्रैल से सत्याग्रह आंदोलन गांधी आश्रम भितिहरवा के सामने करेंगे। इसकी सारी जवाबदेही सरकार के ऊपर होगी। जय हिंद, जय भारत।